मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हम आपको बताते हैं जो हमने इशू फेस किया है, हम जैसा कि आप देखोगे इधर यहाँ पे हम गेमिंग सिस्टम जो बनाते हैं, हैवी जो मशीन होती है, किसके लिए? ग्राफिक काम के लिए या कोई गेमिंग वगैरह के लिए, 3D वगैरह के लिए, ऑटोकैड वगैरह के लिए, जो डिजाइनिंग वगैरह के लिए मशीन यूज होती है, तो उनमें हैवी ग्राफिक कार्ड लगता है, हैवी मदरबोर्ड लगता है और हैवी SMPS वगैरह लगती है, तो आपको पता है। पर एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की है कि कुछ बंदे रैम हल्की लगवा लेते हैं, जैसे क्रूशियल वगैरह वगैरह की रैम लगवा लेते हैं, उनमें हम फिजिकल मेमोरी एरर का एरर जो हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं वो रैम की वजह से करते हैं, क्योंकि रैम जो हम हल्के वाली लगवा लेते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम आपको इस वीडियो के थ्रू सलाह देते हैं कि यदि आप कोई गेमिंग मशीन या डिजाइनिंग के लिए कोई भी डेस्कटॉप बनवा रहे हैं तो हीटसिंक वाली रैम यूज करें, वो कंपनी कोई भी हो। कंपनी हम सजेस्ट नहीं करेंगे, वो तो आप अच्छी कंपनी लेनी चाहिए, पर रैम जो होनी चाहिए वो हीटसिंक वाली रैम होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देखोगे हमारे पास कोर्सियर की रैम है ये, तो इस टाइप की हमें गेमिंग रैम भी अच्छे वाली ही लगानी चाहिए, नहीं तो हम अपनी मशीन में इशू फेस करते रहते हैं। ये चीज हमने एक्सपीरियंस किया है तो हमने चाहा कि इसको हम शेयर करें, तो हम आपको आपके साथ ये चीज शेयर कर रहे हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अरे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।